वेलकम टू माय चैनल नीमास कॉर्नर और मैं हूँ नीमा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पांच अमेजिंग हेयर हैक्स जो सर्दी गर्मियों में आपके बहुत काम आने वाले हैं। कुछ चीजें मैं यूज कर रही हूँ, कुछ चीजें मैंने ट्राई करी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा काम कर सकती है क्योंकि मेरे लिए तो इसने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहली चीज, जैसे कि कई लड़कियों को होती है ये प्रॉब्लम, उन्हें होती है वेट डैंड्रफ। देखो डैंड्रफ होती है दो तरीके की, एक होती है ड्राई डैंड्रफ जो हमारे कपड़ों पर दिखती है, ये ज्यादा नुकसान नहीं करती, बट जो दूसरी वाली है ना वेट डैंड्रफ जो हमारी स्कैल्प पे चिपक जाती है, ये आपके बालों की जड़ों में ना तो हवा जाने देती है ना हम जो ये इतनी सारी चीजें वो लगाते हैं ना DIY, कुछ भी नहीं जाता बालों में, जिसकी वजह से जड़ों से ही आपके बाल टूट रहे होते हैं। तो अगर आपके जो स्कैल्प में चिपकी हुई डैंड्रफ है ना, इसे बोलते हैं वेट डैंड्रफ। डैंड्रफ किसी भी तरीके की हो, मैं लाई हूँ आपके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन। आप जो भी शैम्पू यूज करते हो ना, उसमें आपने डालना है 1 चम्मच ACV एप्पल साइडर विनेगर। मैं यूज कर रही हूँ इस चीज को पिछले 2 हफ्ते से और इसने मेरी डैंड्रफ तो बिल्कुल 0 पे लाके रख दी है, मतलब बहुत सही काम करती है। मुझे होती है गर्मियों में स्पेशली ये वेट डैंड्रफ की प्रॉब्लम, जिससे हेयर फॉल बहुत ज्यादा होने लगा। ACV आपने ऐड करना है, ACV से रिलेटेड कई सारे शैम्पू आते हैं, बट कोई शैम्पू स्पेशल आपको लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जो आपको सूट करता है ना उसे लीजिए। 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर मिक्स कीजिए उसमें और नॉर्मली जैसे हम लोग शैम्पू करते हैं वैसे शैम्पू कर लीजिए। ये आपके बालों की डैंड्रफ की प्रॉब्लम को बिल्कुल खत्म कर देगा। बट हाँ, लालच नहीं करना है, आधी बोतल ACV नहीं डालना है, 1 चम्मच ही ऐड करना है क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है, इससे ज्यादा ऐड नहीं कीजिएगा। तो ट्राई जरूर कीजिएगा इसे, 2 बारी में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है ना, और ये हो रही है सिर्फ डैंड्रफ की वजह से, तो आपने क्या करना है, आपने ऑयलिंग करना बंद कर देना है, स्पेशली अगर आप कोकोनट ऑयल अपने बालों में लगाते हो। देखो ये जो कोकोनट ऑयल है ना, ये आपकी डैंड्रफ को और ज्यादा बढ़ा देता है। ओवरनाइट तो भूल ही जाओ, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने 1/2 घंटा 1 घंटा हेयर वॉश करने से पहले ऑयल लगाना है और अपनी हेयर लेंथ पे अच्छे से लगाइए। स्कैल्प पे कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज्यादा ना लगाएं, तो अपनी हेयर लेंथ पे ऑयलिंग कर लीजिए ताकि आपके बाल फ्रिजी ना लगे, डल ना लगे। तो आपने कोकोनट ऑयल को अवॉइड करना है स्पेशली तब तक जब तक आपको ये डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। शैम्पू करने के बाद कंडीशनर तो हम लोग करते ही हैं, बट हम लोग अवॉइड करते हैं सीरम लगाना। क्यों भाई, सीरम जरूर लगाइए। सीरम जो होते हैं ना, ये आपके बालों में एक जान दे देता है। मैं जो पिछले 2 हफ्ते से यूज कर रही हूँ, ये है ममाअर्थ का ऑनियन हेयर सीरम विद ऑनियन एंड बायोटिन फॉर स्ट्रांग फ्रिजी फ्री हेयर। लास्ट 2 हफ्ते से मैं अपनी मोस्टली वीडियो बाल खोल के बना रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बाल इतने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मुझे मेरे बालों में बहुत ज्यादा डिफरेंस लगा है इसकी वजह से कह लो, या कुछ टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो, बट इसने बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये है फॉर स्ट्रांग फ्रिज फ्री हेयर, मतलब इसे लगाने के बाद ना मेरे बाल कभी भी अटकले नहीं लगती बालों में, जो वो उलझ जाता है ना वो नहीं होता है। पैराबिन फ्री है ये, सिलिकॉन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, फॉर ऑल हेयर टाइप है। Amazon पे, Mamaearth पे, नाइका पे, पर्पल पे, हर जगह अवेलेबल है ये। अगर आप Mamaearth से लेते हो इसे, तो आप मेरा कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो, स्क्रीन पे मेंशन है मेरा कूपन कोड, अगर अप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 20% का डिस्काउंट। तो चलो अब मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। हेयर वॉश करने के बाद मैं इसे यूज कर रही हूँ, ये आपको मिलता है 2 कैप के साथ, मतलब वेस्टेज का कोई मतलब नहीं है और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत माइल्ड है। कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल सीरम है, जैसे नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं ना फेस के लिए, उसी तरीके की कंसिस्टेंसी है इसकी। तो मैंने इसे अपने हाथ पे ले लिया है, हाथों पे मैं रब करूंगी और अपनी हेयर लेंथ पे इसे अप्लाई कर लूंगी इस तरीके से। बहुत ही स्मूथली देखेंगे आप, बिल्कुल आप दोनों तरफ के बालों में डिफरेंस देख सकते हो। बहुत ही ईजिली इसने सारी टेंगल्स को रिमूव कर दिया है और ये अब मेरे बालों को बना देगा बहुत स्ट्रांग। अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं केमिकल फ्री और बिल्कुल नेचुरल। एक बात मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है कि जितना प्लास्टिक ये यूज करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा ये रिसाइकल करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ये है क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। टिप, गर्मियों में हमारे बालों में ना बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है, मतलब जो नेचुरल ऑयल होता है ना वो बहुत जल्दी आ जाता है, जिससे क्या होता है, मैंने आज हेयर वॉश किया, कल सुबह जब मैं उठूंगी तो फिर से चेपू चेपू हो जाएंगे बाल और बहुत गंदे लगेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक जो वो होता है ना वेट वाइप, उससे अपने बालों की स्कैल्प को इस तरीके से रब कर सकते हो, वो आपका सारा एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके बाल फिर से हो जाएंगे नए नए ताजा ताजा, तो आपको रोज हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 5, गर्मियों में क्या होता है ना, हम लोग अपने बालों को जल्दी जल्दी में जाने के चक्कर में ब्लो ड्राई करते हैं, उससे क्या होता है पहले ही बालों की हालत खराब हो रखी है और जब हम ब्लो ड्राई कर रहे हैं, गर्म गर्म हवा बालों में लग रहे हैं तो वो और जल जाते हैं। तो आपने एक अच्छा सा हेयर प्रोटेक्टर तो यूज करना ही है, उसके अलावा कोशिश करनी है कि जब भी आप ब्लो ड्रायर यूज कर रहे हैं, ब्लो ड्रायर यूज कर रहे हो, तो अपने स्कैल्प पे ना लगाएं,
हेयर लेंथ को ड्राई कर ले। बट सबसे अच्छा ऑप्शन पता है क्या है, अपना जो पंखा लगा हुआ ना उसे फुल पे चलाओ और उससे अपने बाल सुखा लो, बहुत जल्दी सूख जाते हैं और आपके बाल डैमेज भी नहीं होंगे। तो ये थे मेरी बहुत आसान सी हेयर टिप जो आपके बहुत काम आने वाली है और सड़ी गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। मामाअर्थ के प्रोडक्ट का लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।